दोस्तों आज हम बहेड़ी में आए हैं और आपको बहेड़ी में लगने वाला मेला दिखाने जा रहे हैं। आप सभी के मन में एक सवाल होगा कि ये मेला इस वक्त कौन सा लग रहा है। तो दोस्तों बहेड़ी शहर में मेला नुमाइश का लग रहा है। इस मेले की शुरुआत इसी साल हो रही है, यानी कि दोस्तों बहेड़ी शहर में नुमाइश का मेला पहली बार लग रहा है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, झूला बड़ा वाला है और उसकी बगल में नाव वाला झूला है और फिर एक मौत का कुआं भी यहाँ पर अभी लग रहा है। देखते हैं आगे कौन कौन सी दुकानें लगेंगी। अभी फ़िलहाल यही दुकानें लग रही हैं। आगे को हम आपको नुमाइश का पूरा मेला फुल कंप्लीट भी दिखाएंगे। तो हमारे साथ बने रहें, आरए नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों इस वक्त की बहुत ही बड़ी लेटेस्ट अपडेट आ रही है बरेली शहर में। आपने भी सुना होगा कि पलायन का मुद्दा बहुत ही गर्मा गया था, लेकिन वह सब झूठ निकला। उत्तर प्रदेश के बरेली में मकान बेचने और खरीदने के विवाद को एक समुदाय के लोगों ने पलायन की झूठी साजिश रच दी थी। इस मामले में पुलिस ने जाँच पड़ताल की, इसके बाद पलायन की झूठी साजिश रचने वालों को फटकार लगाई है। इसके साथ ही शांति भंग की कार्रवाई की है। दोस्तों पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, बने रहे इस वीडियो में शुरू से आखिर तक और पूरी जानकारी जाने आखिर इस तरह का मुद्दा क्यों उठाया गया और ये झूठी अफवाह क्यों उड़ाई गई। शहर के बिहारीपुर खतियान मोहल्ले के निवासी घनश्याम दास काफी समय से अपना मकान बेच रहे थे। उन्होंने पहले परिवार और मोहल्ले के तमाम लोगों से मकान बेचने की बात कही, मगर ये लोग मकान आधी कीमत पर लेने की कोशिश में थे। इसके चलते घनश्याम दास ने दरगाह आला हजरत से जुड़े एक सदस्य के साथ मकान का सौदा कर दिया और मकान का एग्रीमेंट होने से खफा एक समुदाय के लोगों ने अपने घरों पर पलायन के पर्चे लगा दिए। उनका कहना था कि हमारे मोहल्ले का मकान किसी अन्य समुदाय का व्यक्ति नहीं खरीदेगा। इसके साथ ही एग्रीमेंट निरस्त करने की मांग पर धरने पर बैठ गए। पलायन के नाम पर मामला तूल पकड़ गया, जिसके चलते कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों को समझाया, इसके साथ ही घनश्याम दास के मकान की कीमत के मुताबिक लेने की बात कही। पुलिस के कहने के बाद ये लोग मकान लेने को तैयार हो गए। इस पर पुराना एग्रीमेंट कैंसिल करा दिया गया है, मगर पुलिस ने मकान बेचने वाले घनश्याम दास, उनके बेटे और दूसरे पक्ष के मनोज, अर्पित और राजीव का शांति भंग में चालान किया है। मकान में घनश्याम दास और उनके दूसरे भाई सुभाष सेठ से हिस्सेदार हैं। इस मोहल्ले के रास्ते में काफी तंग है, इसके चलते कार समेत अन्य वाहन नहीं निकल पाते हैं, सुबह से रात तक जाम रहता है। इसलिए घनश्याम दास ने पहले अपने भाई सुभाष सेठ से मकान लेने को कहा था, मगर उन्होंने मकान की कीमत नहीं दी, वह काफी सस्ता लेने को थे। इसके बाद मोहल्ले के अन्य लोगों से कहा तो वह भी उस मकान की कीमत नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए घनश्याम दास ने दूसरे समुदाय के व्यक्ति से सौदा कर दिया। इसका एग्रीमेंट होते ही घनश्याम दास के समुदाय के लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया है। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी आपको पता लग गई होगी, आखिर क्या मामला था, किस लिए ये पलायन का मुद्दा उठाया गया और किस तरह से इस बात को तूल पकड़ाया गया, आप पूरी जानकारी जान ही गए होंगे। इस पूरी जानकारी के बारे में आपकी अपनी राय क्या है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और रविंद्र कुमार SBCT ने कहा है कि मकान बेचने और ख़रीदने का मामला है, पलायन जैसी कोई बात नहीं है, माहौल ख़राब करने वालों का शांति भंग में चालान किया गया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सही बात जो है, असल बात, वह सब लोगों के पास तक पहुंच जाए और कोई भी इन बातों से खौफ में ना आ जाए, इसलिए सभी तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बरेली शहर की आने वाली हर एक लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे।